अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है लिक्विड एंड सॉलिड्स के हवाले से। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम पहले पढ़ चुके थे, लाइक मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को पढ़ा था और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा मेन टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो मैं एक दफ़ा तमाम एप्लीकेशंस को ओवरलुक दे देता हूं और हमारी जो मेन एप्लीकेशन जिसको आज हम पढ़ेंगे वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो इसकी एप्लीकेशन आती हैं उसमें पहला था थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता था। मिसाल के तौर पर अगर आप अमोनिया की बात करें, आप वाटर की बात करें और आप HF की बात करें, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अपने ही ग्रुप मेंबर्स से बहुत ज़्यादा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा सेकेंड नंबर पर था सॉलेबिलिटी। तो डे स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉलेबल इन वाटर एट ऑल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं, वो पानी में हल नहीं होंगे। तो वो चीज़ें जो पोलर हैं लाइक C2H5OH, एथानॉल, आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो एथानॉल है ये पानी में आसानी से हल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चीज़ें एक दूसरे में हल हो जाती हैं, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आसानी से किस में हल हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? पानी में, क्योंकि वो पानी के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिबिलिटी होती है। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सॉप। हमारे पास जो सॉप होते हैं या डिटर्जेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक एंड जो होता है वो पोलर होता है और एक एंड जो होता है वो नॉन पोलर होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो पोलर एंड होगा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, यानी कि जो डिटर्जेंट्स का पोलर ग्रुप होगा, डिटर्जेंट्स या सॉप के मॉलिक्यूल का जो पोलर ग्रुप होगा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और इसका जो नॉन पोलर एंड होगा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना सकता, तो वो फ्री होगा। तो वो फ्री एंड क्या करेगा कि हमारी जो शर्ट्स वगैरह पर मौजूद स्टेन्स होते हैं, लाइक ग्रीस अगर लग जाती है हमारी शर्ट पर जो कि एक दाग है, तो वो ग्रीस नॉन पोलर है, तो वो जो दाग धब्बे होते हैं वो इस डिटर्जेंट के नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो हमारी शर्ट से निकल कर डिटर्जेंट्स में चले जाते हैं और यूँ हमारी शर्ट्स पर मौजूद जो दाग धब्बे हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ये जो क्लींजिंग एक्शन हुआ वो क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज के जो डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल हैं उसने पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, और उनका जो नॉन पोलर एंड होता है वो किसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट कर लेते हैं? नॉन पोलर के साथ, जो कि दाग धब्बे होते हैं, और यूँ हमारा जो क्लींजिंग एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है और शर्ट्स वगैरह के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में मेजर बायोलॉजिकल कंपाउंड है, उसके बाद DNA है, उसके बाद RNA है, देन हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड किससे मिलकर बना होता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटीन को। तो जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या बना लेता है? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है ये आप लोगों ने अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में भी देखी होगी, वहां पर एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करके दिखाया गया है। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, फिर ये क्या बनाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन बनानी होती है, तो प्रोटीन बनाने के मराहिल हैं। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टर्शरी और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो डे स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, हेलिक्स लाइक। अब ये हेलिक्स जो होता है ये राइट हैंडेड भी हो सकता है और ये लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है।
अब एक हेलिक्स और दूसरी हेलिक्स के दरमियान में आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां पर क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो डेयर स्टूडेंट्स ना ही टर्शरी बन पाएगा ना ही क्वार्टरनरी, और यूँ एक पूरी प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर हम देखें कि प्रोटीन के अलावा जो हमारे पास डीएनए मौजूद होता है उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारे पास डीएनए है, टू स्पायरल चेन्स ऑफ डीएनए, ये हमारे पास डेयर स्टूडेंट्स डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक स्पायरल है और ये हमारे पास इसका दूसरा स्पायरल है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं, इस तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आप इसको याद रख सकते हैं एट गवर्नमेंट कॉलेज एटी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और जीसी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं और यूं हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। किस चीज का डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का। तो ये आपको यहां पर दोबारा कॉइलिंग दिखाई गई है प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन की कॉइलिंग दिखाई गई है। यहां पर आपको क्लियरली दिखाया गया है कि प्रोटीन का जो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक स्पाइरल है वो दूसरे स्पाइरल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना रहा होता है ताकि इनके स्पाइरल जो है वो आपस में स्टेबल रह सके, इनका स्ट्रक्चर बरकरार रह सके। एक बात जो यहां पे आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसके एक जो टर्न है, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, 27 अमाइनो एसिड्स आते हैं, 27 अमाइनो एसिड्स इन ईच टर्न। और ये जो डीएनए है, इस डीएनए का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होता है, 18 से 20 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डीएनए वगैरह के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स हैं उनमें ओएच ग्रुप मौजूद होता है। तो ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जिनमें भी ओएच ग्रुप हो, एनएच ग्रुप हो या एफएच ग्रुप हो, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। तो इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने ये मेंशन करना है कि इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो ये हमारा आज का मेनली टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों ने क्लॉथिंग के हवाले से भी डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर थ्रेड मेकिंग। हमारा जो धागा है वो बेसिकली क्या होते हैं, सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, और जो सेलुलोज है आपको पता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और वो किससे मिलकर बने होते हैं, उनमें भी मेनली तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है। तो जहां जहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाजमी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद ये बात बहुत अहम है याद करने वाली कि रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कॉटन सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जो भी कॉटन सिल्क है ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं यानी कपास वगैरह, और हम सिंथेटिक फाइबर्स भी तैयार कर लेते हैं, इनमें जो रिजिडिटी आती है, सख्ती आती है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ताकि जब हम उसको खींचते हैं तो वो टूटता नहीं है, तो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो क्लॉथिंग के अंदर भी सारी की सारी क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट एंड डाइज, जो हमारे पेंट्स वगैरह हैं ये एडहेसिव प्रॉपर्टी रखते हैं यानी किसी भी सतह पर आसानी से अटैच हो जाते हैं, तो वो अटैचमेंट क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो डाइज हैं ये हमारे फाइबर्स के साथ यानी कि जो रंग वगैरह है, कलरिंग है, हमारे फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तमाम एप्लीकेशंस थी जिनको हमने एक ओवरलुक दिया, और इसमें मेनली जो था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यू है कि एचएफ इज डैश ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि जो हाइड्रोजन है ये आसानी से रिलीज नहीं होता। जब हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होगा तो जाहिर बात है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, लो। तो इसकी बीटा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एचएफ इज ड्यू टू,
ऑब्वियसली अभी मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये लो एसिडिक है क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन आइंस नहीं जाने देता। तो क्यों नहीं जाने देता? जस्ट बिकॉज ऑफ पोलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलैरिटी इतनी ज़्यादा आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता। जब हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? लो होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स इन, तो डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में इन्वॉल्व होती है? सॉल्युबिलिटी में भी होती है, क्लींजिंग एक्शन में भी होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी होती है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास डेल्टा ऑप्शन है, ऑल तमाम के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। होप सो के आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस के हवाले से तमाम डिटेल्स मिल गई हैं। तो काइंडली तमाम लेक्चर्स को आसानी से और बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा और बुक को लाजमी रीड कर लीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।